हेलो एवरीवन, तो आज हम यहाँ पे प्रोटोनिकल्स डालेंगे एक्वेरियम में, और ये स्टोन कैसे डाला है दिखाता हूँ आपको। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा पॉन्ड है जिसमें से मैंने प्रोटोनिकल्स निकाला है। तो आप देख रहे हैं फिशेस कैसे तीर रही हैं। यहाँ पे तो एकदम रेसिज्म चल रहा है ब्लैक और वाइट के बीच में। ठीक है, चलो उसे छोड़ते हैं। अभी थोड़ा नीचे मैंने बोटानिकल डाला था, यहाँ पे उसको निकालते हैं। तो एक हो गया, जो आप गंदा देख रहे हो वो एक अर्थ वॉर्म है जिसको मैंने खाने के लिए डाला था, वहाँ पे सपड़ गया है। तो टोटल मैं 3 बोटानिकल निकालूंगा इसमें से। तो ये निकला तीसरा, तो बोटानिकल हमने निकाल लिया। थोड़ा वॉश कर लेते हैं। चलिए, वॉश करने के बाद थोड़ा फ्री से मसाज हो जाए, देखते हैं कितने आते हैं मेरे हैंड में। ये फिशेस ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है मेरे से, इतना घबराते नहीं है। अभी इनको ऑलरेडी फीड दे चुका हूँ, कुछ ज़्यादातर आ नहीं रहे हैं। तो ये हो गया बोटानिकल्स। तो चलिए इसको एक्वेरियम में पैन करते हैं। तो उससे पहले ये जो स्टोन देख रहे हैं, लावा स्टोन और ड्रैगन स्टोन, पता नहीं नाम क्या है, ये भी हम एक्वेरियम में डालेंगे। तो चलिए लाइट को ऑन कर देते हैं। तो वो मेरा DIY CO2 है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो पहले से थोड़े स्टोन सका हुआ मैंने, जो मुझे पसंद नहीं है। तो पहले ट्रिमिंग कर लेते हैं थोड़ा ट्रीज का, क्योंकि जो बड़ा स्टोन आएगा वो पूरा सामने आएगा, तो पीछे पूरा हाइड हो जाएगा। तो स्टोन को निकाल लेते हैं पहले। निकालने के बाद जो अपना मेन स्टोन है उसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा नेक्स्ट साइड नीचे, लेफ्ट साइड को नीचे लेते हैं। थोड़ा क्रॉस करके रखते हैं उसको ऐसे, ये नाउ आई थिंक ये अच्छा दिखेगा। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। तो उसके बाद एक जस्ट ऑल्ट्रेशन डेकोरेटिव आइटम निकालेंगे, एक पत्थर स्टोन जो नदी का ही है। बाद में अब यहाँ पे डालेंगे अपना बोटानिकल्स। तो एक स्टोन हो गया, मैंने अभी बोटानिकल्स डालेंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो मैंने कट किया हुआ था प्लांट, उसको मैं यहाँ पे अगेन डाल रहा हूँ कि वो ग्रो करे, थोड़ा अच्छा भी दिखेगा आगे।